हेलो फ्रेंड्स, मैच विद पीके में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब दोस्तों? फ्रेंड्स, हमारी आरबीसी राजस्थान बोर्ड की क्लास 11 की मैथ चल रही थी। चैप्टर 6 हमारा चला था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमचयता संचय। तो 11 से लेकर 20 तक हमने एग्जांपल कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं 21 से लेकर 26 तक के एग्जाम्पल का। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन का प्रेस कर दीजिए। पीछे की वीडियो नहीं देखें तो ऊपर आगे इंसान पर क्लिक करके पीछे की वीडियो देखकर सारे डाउट्स क्लियर कर लें। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और कोई दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं एग्जांपल नंबर 21 के सॉल्यूशन की। देखिए एग्जांपल 21 में क्या कह रहा है। व्यंजक 47C4 प्लस जे बराबर 1 से 5 सिग्मा दे रखा है और 52 - j C3 का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 47C4 प्लस सिग्मा j125 52 - j C3। तो चलिए निकाल लेते हैं वैल्यू। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है J1 से लेकर 5 तक हमें यहाँ पर J की जो वैल्यू पुट करते जाना है और प्लस में करना है। कैसे? सिग्मा देखिए हमारे पास में क्या होगा, 47C4 तो अलग पड़ा हुआ है। सिग्मा का मतलब ये होता है कि प्लस करते जाइए, J की वैल्यू पुट करते जाइए। तो पहले हम 1 पुट करेंगे तो 52 - 1 और C3 तो सेम टू सेम रहेगा। J की वैल्यू हमें पुट करने की वाली तो 52 भी सेम टू सेम रहेगा और प्लस 52 माइनस, पहले हमने 1 पुट किया, अब हम पुट करेंगे 2। J1 से लेकर 5 तक हमें पुट करना है। J की जो वैल्यू है 52 - 2 C3 हो जाएगा, फिर प्लस 52 - 3 होगा और C3, फिर प्लस 52 - 4 C3 और प्लस 52 - 5 C3। 5 तक हमें लास्ट जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास में 5 है, तो 5 तक ही हम रखेंगे J की वैल्यू। चलिए आंसर निकाल लेते हैं। 47C4 तो है ही, प्लस 52 - 1 हो जाएगा 51C3 प्लस 50 हो जाएगा, ये 52 - 2 50C3 प्लस 49 हो जाएगा, अगला एक कम होता जाएगा तो 48C3, फिर अगला 47C3। पहले हम सभी को उल्टा लिख लेते हैं, ये तो ऐसा कैसा हमें अलग पड़ा हुआ है, इसको तो हम ऐसा कैसा लिख लेते हैं। बाकी जो है देखिए 51, 50, 49, 48, 47 ये सारे के सारे क्या हैं? अवरोही क्रम में, हम इन्हें आरोही क्रम में लिख लेते हैं। प्लस में तो ऐसा कर ही सकते हैं, अवरोही आरोही को चेंज कर सकते हैं। तो 47C3 पहले लिखेंगे, फिर 48C3 लिखेंगे, उसके बाद में 49C3 और इसी तरह से क्रम से लिखेंगे 50C3 प्लस 51C3। अब देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी संचय में, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी थी, क्या थी? NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू N प्लस 1 CR, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। और इसका जो सॉल्यूशन था वो भी हमने देखा था, प्रूफ किया था। अगर आपने थ्योरी का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो यहाँ से समझ लीजिए। ये हमारे पास में प्रॉपर्टी थी, इसी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करके यहाँ पर आंसर निकालेंगे। तो केवल एक प्रॉपर्टी से हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। देखिए n को अगर हम यहाँ पर इन दोनों में तुलना करें, कंपेयर करें 47C4 और 47C3 में, तो n को 47 माने तो यहाँ पर भी 47 है, तो यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है। r की वैल्यू अगर हम 4 माने तो यहाँ पर r यानी कि 4 और यहाँ पर r माइनस 1 तो 3 होना चाहिए अगले में हमारे पास में क्या है, 3 है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास में यहाँ लगेगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर क्या है, इसके इक्वल हमारे पास में है n प्लस 1 CR। n की वैल्यू तो हमने 47 मानी है, तो 47 प्लस 1 48 हो जाएगा और CR की वैल्यू हमने क्या मानी है, 4 मानी है। तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में इन दोनों से वैल्यू क्या आएगी, 47 प्लस 1 n प्लस 1 और CR की वैल्यू हमारे पास में है 4, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों हट जाएंगे, अगली वैल्यू जो है वो हम सेम टू सेम यहाँ पर लिखेंगे। तो 48C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3, क्लियर है? 47 प्लस 1 48 हो जाएगा, 48C4 प्लस 48C3 और प्लस 49C3 और प्लस 50C3 और 51C3, ये सारी की सारी वैल्यू सेम टू सेम आएगी। अब इन दोनों में यही प्रॉपर्टी लगेगी और इस तरह से ये लगती जाएगी सभी में। तो अब तो समझदारों को इशारे काफ़ी है कि हमें क्या करना है। तो ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए, यहाँ पर n की वैल्यू 48 हो गई तो n प्लस 1 करना है हमें, तो 48 प्लस 1 और r की वैल्यू जो है इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी वो होगी, तो r की वैल्यू हो जाएगी 4।
तो 48 प्लस 1 सी 4, तो अगली जो वैल्यू है सेम टू सेम है यहाँ पर उतार देंगे, 49 सी 3 50 सी 3 प्लस 51 सी 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 49 सी 4 प्लस 49 सी 3 प्लस 50 सी 3 प्लस 51 सी 3। फिर से इन दोनों में यही प्रॉपर्टी लगेगी, 49 हो जाएगा यहाँ पर n, और ये एन सी आर और एन सी आर माइनस 1, तो n प्लस 1 करना है तो 49 प्लस 1 फिर सी 4 और प्लस 14, ये तो दोनों की वैल्यू हो गई यहाँ पर, और 50 सी 3 प्लस 51 सी 3, इन दोनों के बराबर में ये हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास में 49 प्लस 1 हो जाएगा 50 सी 4 प्लस 50 सी 3 प्लस 51 सी 3। अब देखिए हमारे पास में इन दोनों में वो प्रॉपर्टी लग जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, तो n प्लस 1 हमें करना है, तो 50 प्लस 1 सी 4, आर की वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू होगी इन दोनों में तो 4 ही होगी, और प्लस 51 सी 3 आ जाएगा, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 50 प्लस 1 51 सी 4 प्लस 51 सी 3। तो इन दोनों में फिर से वही लग जाएगी प्रॉपर्टी, यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 51, तो 51 प्लस 1 करना है हमें, n प्लस 1 करना है, और सी आर, आर की वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू 4 होगी, ये हो जाएगा 4, तो वैल्यू क्या आएगी 52 सी 4, ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। इसका भी सॉल्यूशन देना चाहें तो आप दे सकते हो, देखिए एग्जांपल नंबर 22 में क्या कह रहा है, यदि एन सी 15 इक्वल्स टू एन सी 8 हो तो एन सी 21 का मान ज्ञात कीजिए, इफ एन सी 15 इक्वल्स टू एन सी 8 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन सी 21। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम, एन सी 15 इक्वल्स टू हमें दिया है एन सी 8, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कॉम्बिनेशन संचय की, वो प्रॉपर्टी क्या थी, एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई हो तो उस कंडीशन में हमारे पास में वैल्यू आई थी, एक तो एक्स बराबर वाई होगा, या फिर दोनों में से एक होती है, या फिर एक्स प्लस वाई बराबर एन होगा। तो यहाँ पर 15 इक्वल्स टू 8 तो हो नहीं सकता, तो 15 प्लस 8 इक्वल्स टू हम एन कर सकते हैं, और यहाँ से एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है 15 है, वाई की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 15 प्लस 8 इक्वल्स टू एन, एन की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी 15 प्लस 8 हो जाएगा 23, तो एन इक्वल्स टू हमारे पास में 23 आ रहा है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी पूछी है, एन सी 21 का मान इसकी वैल्यू हमें पूछी है, तो हम निकाल लेंगे एन सी 21 की वैल्यू, तो एन सी 21 इक्वल्स टू 23 सी 21, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 का करेंगे हम फैक्टोरियल, और अपॉन में 21 का फैक्टोरियल, और 23 माइनस 21 ये होता है एन सी आर जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो आर की वैल्यू 21 है, तो फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 23 माइनस 21, ऊपर हम 23 और 22 बाहर ले लेते हैं, तो 23 इंटू 22 बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल 21, और नीचे हमारे पास में फैक्टोरियल 21 है, और 23 में से 21 जाएगा तो बचेगा 2, तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, 21 का फैक्टोरियल और 21 का फैक्टोरियल तो हट जाएंगे, बचेगा क्या नीचे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2, तो 2 से इसको काटेंगे तो 11 आएगा, तो आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा 253 253, ये हमारे पास में हो जाएगा आंसर 23 को 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो एन सी 21 की ये वैल्यू होगी, क्लियर है। देखिए एग्जांपल 23 में क्या कह रहा है, यदि 10 सी एक्स इक्वल्स टू 10 सी एक्स प्लस 4 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, इफ 10 सी एक्स इक्वल्स टू 10 सी एक्स प्लस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो बहुत ही आसानी है, तो पीछे वाले जो 22 में हमने प्रॉपर्टी लगाई थी वो प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी, 10 सी एक्स बराबर हमें दिया है 10 सी एक्स प्लस 4, एक्स की वैल्यू पूछी यहाँ पर, तो हमें पता है कि एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई हो तब हमारे पास में या तो एक्स बराबर वाई होता है, या हमारे पास में होता है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन, ये हमारे पास में होता है, यहाँ पर एक्स बराबर एक्स प्लस 4 तो हो नहीं सकता, एक्स के बराबर में एक्स प्लस 4 नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि आपकी वैल्यू जो मान लीजिए आपके पास में कोई वैल्यू है
दो सेव हैं और उसमें हम दो चार और जोड़ दें, आप कहोगे कि दो और दो प्लस चार बराबर थोड़ी ना हो सकते हैं, दोनों दो बराबर छः थोड़ी ना हो सकता है। तो अक्स की वैल्यू यहाँ पर दो होगी तो अक्स बराबर अक्स प्लस फोर नहीं हो सकता। तो हमारे पास में होगा क्या दूसरी प्रॉपर्टी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन। तो एन की वैल्यू यहाँ पर टेन है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर एक्स, वाई की वैल्यू एक्स प्लस फोर, तो एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू हो जाएगा टेन। एक्स प्लस वाई ये पूरी वाई की वैल्यू, ये एन की वैल्यू, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन, ये हो जाएगा टू एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू टेन। और यहाँ पर फोर का कर देंगे हम ट्रांसफर, तो टू एक्स इक्वल्स टू टेन माइनस फोर, एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर तो होगा सिक्स, सिक्स बाई टू यानी कि थ्री। तो एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। ये हमें पूछा एक्स की वैल्यू हमें पूछिए, क्लियर है। देखिए एग्जांपल 24 में क्या कह रहा है, एन भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगन। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एन भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या हमें पूछिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए और आते भी हैं आजकल। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरह से हमें देना है। देखिए हम एक सपोज करते हैं कि हम यहाँ पर एक षटभुज बना रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव ये सिक्स, ये हमने एक षटभुज बना लिया, क्लियर है। एन भुजाएं यहाँ पर हैं तो यहाँ पर सिक्स भुजाएं हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो शीर्ष हमें देखने कि शीर्ष यहाँ पर कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो सिक्स भुजाओं वाले षटभुज में हमारे पास में शीर्ष जो हैं वो भी कितने हैं, सिक्स हैं, क्लियर। सिक्स यानी पॉइंट जो हमारे पास में है ये सिक्स है। हमें चाहिए एन भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, तो यहाँ पर हमें विकर्णों की संख्या चाहिए। तो देखिए हमें एक बात का तो पता चल गया कि छह भुजाएं हैं तो छह शीर्ष होंगे, तीन भुजाएं हैं तो तीन शीर्ष होंगे, तीन पॉइंट होंगे। अब दूसरी बात हमें यह भी पता करनी है, देखिए यहाँ पर दो पॉइंट को हम मिलाएं, जैसे एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, दोनों को हम मिलाएं तो एक भुजा बनती है, यहाँ पर इन दोनों को मिलाएं तो एक भुजा बनती है। तो एक भुजा के साथ में यहाँ पर देखिए हम इन दो पॉइंट को मिलाएं तो एक विकर्ण बनता है, डायगोनल बनता है। इन इसको और इसको मिलाएं तो यहाँ पर भी एक विकर्ण बनता है, और इन दोनों को मिलाएं तब भी एक विकर्ण बनता है। यानी कि दो पॉइंटों को हम मिलाएं तो एक तो विकर्ण बनता है और दूसरा ऑप्शन हमारे पास में एक भुजा बनती है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास में बनती है। तो n हमारे पास में भुजाएं हैं तो हमें पता है कि n ही हमारे पास में शीर्ष होंगे। तो n शीर्षों में से यानी कि n पॉइंट्स में से अगर हम दो पॉइंट्स को लेकर चलें तो वहाँ से एक भुजा और एक विकर्ण बनता है, यानी कि n में से हमें लेना है दो पॉइंट हमें लेने हैं, क्लियर। n हमारे पास पॉइंट है, उनमें से दो पॉइंट हमें लेने हैं। यहाँ पर क्रमचय की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है संचय की, क्योंकि सारे जो पॉइंट होंगे सारी जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, समान होंगी। ऐसा तो नहीं है कि विकर्ण जो होंगे वो अलग अलग होंगे या भुजाएं अलग अलग होंगी, ये सब समान होंगे। यानी इन दोनों में हम डिफरेंस नहीं कर सकते, इनमें विकर्णों में उन सभी को एक तरह से समान ही मानेंगे। हालांकि इन दोनों इन सभी की जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है, कोई छोटा कोई बड़ा इस तरह से हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर संख्या ही निकालनी है कि विकर्णों की संख्या क्या होगी, हमें उनको व्यवस्थित नहीं करना है, क्लियर है। छोटा बड़ा इस तरह से व्यवस्थित नहीं करना, तो यहाँ पर संचय की बात कर रहे हैं। तो NC2 इसमें विकर्ण भी आ गए और हमारे पास में भुजाएं भी आ गई, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए केवल विकर्ण। और हमें पता है कि भुजाएं हमें दी हुई हैं कितनी, N शीर्ष हैं तो N ही हमारे पास में भुजाएं हैं। तो भुजाओं को हम हटा देंगे माइनस कर देंगे तो हमारे पास में विकर्णों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर निकाल लेते हैं, तो NC2 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल N माइनस 2। NCR की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर, आर यहाँ पर है टू और माइनस एन साथ में है। वैल्यू निकाल लेते हैं, एन और एन माइनस वन हम बाहर ले लेंगे तो फैक्टोरियल एन माइनस टू बचेगा, वो नीचे कैंसिल हो जाएगा एन माइनस टू के फैक्टोरियल से। तो ऊपर ले लीजिए एन और एन माइनस वन बाहर, तो अंदर रह जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस टू, एक कम रहता है, और अपॉन में फैक्टोरियल टू और एन माइनस टू का फैक्टोरियल, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एन हमारे पास में है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2, और माइनस एन हमारे पास में ये पहले से पड़ा हुआ है। एलसीएम ले लीजिए 2
एलसीएम लेंगे तो नीचे आ गया 2n स्क्वायर माइनस n, और माइनस का ये 2 मल्टीप्लाई होगा n से तो 2n, ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तो n स्क्वायर प्लस का माइनस का 2n माइनस का n माइनस का 3n बाई 2, तो ये हमारे पास में विकिरणों की संख्या होगी। तो ध्यान रखें ये हमारे पास में बहुभुज में विकिरणों की संख्या नहीं आ रही, ये हमारे पास में n भुजाओं वाले बहुभुज में विकिरणों की संख्या का फॉर्मूला भी बन रहा है। तो यहाँ से हमारे पास में चाहे षटभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, चतुर्भुज हो, हम यहाँ से विकिरणों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में त्रिभुज है, इसमें हमें विकिरणों की संख्या निकालनी है, तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, n की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 बाई 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 माइनस 3 इंटू 3 होगा 9 बाई 2, तो वैल्यू कितनी आ रही है 0, और हमें पता है कि त्रिभुज में कोई भी डायगोनल विकिरण नहीं होता है, तो इस सूत्र से हम पता कर सकते हैं। षटभुज में हमें निकालनी है विकिरणों की संख्या, तो 6 भुजाएं हमारे पास में हैं, तो 6 का स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6 बाई 2, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 6 इंटू 3 18 हो जाएगा बाई 2, 18 बाई 2 यानी कि 9 हमारे पास में क्या होंगे, विकिरण होंगे, डायगोनल होंगे, क्लियर है, ये षटभुज में होंगे। देखिए एग्जांपल 25 में क्या कह रहा है, 5 व्यंजनों एवं 4 स्वरों से 3 व्यंजन तथा 2 स्वर लेकर कुल कितने शब्द बनेंगे, हाउ मेनी वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड बाई टेकिंग 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवल्स आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट एंड 4 वोवल्स। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 5 व्यंजनों और 4 स्वरों से हमें, 5 व्यंजनों से हमें लेने हैं 3 व्यंजन और 4 स्वरों से हमें लेने हैं 2 स्वर, इन दो लेकर कुल कितने शब्द हम बना सकते हैं, यानी कि टोटल हमें 5 लेटर लेने हैं, 5 अक्षर हमें लेने हैं, 3 तो व्यंजन और 2 स्वर, लेकिन हम हमें शब्द की बात कर रहा है, तो हम ऐसा तो नहीं कि 5 हम ले रहे हैं यहाँ पर तो फैक्टोरियल हम 5 कर देंगे और हमारे पास में आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पर पहले इकट्ठे करने पड़ेंगे वो 5 स्वर, यानी कि पहले हमें करना पड़ेगा संचय, उसके बाद में हम लगाएंगे क्रमचय। तो यहाँ पर कंडीशन ये बनेगी कि फर्स्ट स्टेप में हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा हमें, और सेकेंड स्टेप हमें परम्यूटेशन देखना पड़ेगा, क्लियर है। इस तरह से हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आगे जिनमें पहले हमें कॉम्बिनेशन करना होगा, उसके बाद में हमें परम्यूटेशन करना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम पहले करते हैं चयन, उसके बाद में करते हैं हम संग्रह, और उसके बाद में हम करते हैं उनकी व्यवस्था, अरेंजमेंट, विन्यास बनाते हैं, क्लियर है। तो ये हमारे पास में होता है पहले सिलेक्शन, फिर कलेक्शन, उसके बाद में अरेंजमेंट, तो इसी स्टेप से हम करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी। तो 5 व्यंजनों में से हम व्यंजन ले रहे हैं 3, तो 5C3 हो जाएगा, संचय कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो 5C3 हो जाएगा, और 4 स्वरों में से हमें लेने हैं 2 स्वर, तो इनटू हो जाएगा 4C2। ये तो हमने कर दिया कलेक्शन। अब इस कलेक्शन में हमारे पास में टोटल जो अक्षर हैं, टोटल जो लेटर हैं, वो हमारे पास में कितने हैं, 3 तो व्यंजन है और 2 हमारे पास में स्वर है, इन सभी का हमें करना है अरेंजमेंट करना है, तो हमें परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और हमें पता है कि पांचों में से पांचों का ही हमें शब्द बनाना है, कुल कितने शब्द हम बना सकते हैं, तो 5 में से 5 हम लेते हैं, n में से n हम लेते हैं, तो फैक्टोरियल n हम करते हैं, तो यहाँ पर फैक्टोरियल हो जाएगा 5, तो इनटू में फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास में ये वैल्यू आएगी, कुल कितने शब्द पूछे तो ये शब्दों की संख्या हमारे पास में हो जाएगी, तो ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इसका सॉल्यूशन देना चाहिए तो पूरा का पूरा इसको सॉल्यूशन सोल्व इसको करना पड़ेगा, 5C3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 4C2 की निकालनी पड़ेगी, फैक्टोरियल 5 की निकालनी पड़ेगी, सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतना भी काफ़ी है, क्लियर है। अब देखिए हमारा लास्ट जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 26, उसमें क्या कह रहा है, देखिए 8 पुरुषों और 5 महिलाओं में से 6 सदस्यों की हमें बनानी है समिति। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ डिफरेंस करने वाले हैं, और डिफरेंस क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास में आगे क्या कह रहा है, ये समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, 8 पुरुष और 5 महिलाओं में से 6 सदस्यों की हमें समिति बनानी है, और ये समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। यहाँ पर हमें डिफरेंस ये देखना है कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें कॉम्बिनेशन करना है, हमें परम्यूटेशन करना है, कॉम्बिनेशन मतलब हमें संचय करना है, परम्यूटेशन का मतलब है हमें क्रमचय करना है, क्रमचय का फॉर्मूला हमें लगाना है,
या फिर पहले संचय का फॉर्मूला लगा के क्रमचय का फॉर्मूला लगाना है, जैसे हमने एग्जाम्पल जो हमारा पिछला एग्जाम्पल था उसमें हमने किया था। पहले हमने संचय किया था, कॉम्बिनेशन किया था, उसके बाद में हमने क्रमचय किया था। तो ये हम यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो जरा सोच कर देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है। समिति हम बना रहे हैं, हमें समिति पे थोड़ा सा फोकस करना है। समिति में यहाँ पर कोई भी अरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमें पूछा है कि कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, हमें केवल प्रकार पूछे, यहाँ पर कोई भी अरेंजमेंट नहीं पूछा है। पिछला जो हमारे पास में एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 25, उसमें हम शब्द बना रहे थे और हमें पता है कि शब्दों में अक्षरों का जो होता है वो अरेंजमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर हम कोई भी अरेंजमेंट नहीं करने वाले, हम केवल यहाँ पर 6 सदस्यों की समिति बना रहे हैं, तो इनका सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन करते ही हमारे पास में क्या बन जाएगी, एक समिति बन जाएगी। तो 8 में से हमें पहली कंडीशन हमें दे रहा है कि प्रत्येक समिति में केवल 2 पुरुष हो, तो 8 में से हम 2 पुरुष लेंगे और बाकी बची हुई महिलाएं ले लेंगे। तो वो हमारे पास में कलेक्शन आ जाएगा 6 सदस्यों का, तो वो समिति बन जाएगी। इसी तरह से सेकंड नंबर में कह रहा है कि केवल 2 महिलाएं हो, तो 5 में से 2 महिलाएं हम लेंगे, उनका हम कलेक्शन करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे और बचे हुए हम ले लेंगे पुरुष, और 6 सदस्यों की समिति बन जाएगी उनको एक साथ में लेने के बाद में। तो यहाँ पर देखिए चारों कंडीशन हम देखेंगे। तो इंग्लिश में क्या कह रहा है, टेकिंग 8 मेन एंड 5 वुमेन, ए कमेटी ऑफ 6 मेंबर्स हैज टू बी फॉर्म्ड। हाउ मेनी वेज दिस कमेटी कैन बी फॉर्म्ड, वेयर एज ईच कमेटी नंबर फर्स्ट कंडीशन है कंसिस्ट ऑफ एन ओनली 2 मैन। तो नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हमें देखते हैं। तो यहाँ पर हमें केवल और केवल क्या करना है, हमें करना है कॉम्बिनेशन संचय। तो यहाँ पर हमें लेने हैं, पहली कंडीशन कह रहा है कि केवल 2 पुरुषों, कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 मैन। 8 हमारे पास में टोटल पुरुष हैं, उसमें से 2 पुरुष हम ले रहे हैं केवल, क्लियर है। तो बाकी बचे सदस्य 4, 2 सदस्य तो हमने ले लिए, समिति बना रहे, कमेटी बना रहे, उसमें 2 सदस्य तो हो गए, बच गए हमारे पास में 4 सदस्य। तो वो कहाँ से लेंगे, महिलाओं से लेंगे। तो इनटू में अब ये तो है नहीं कि हमने या तो 2 ले लिए या हमने 4 ले लिए, तो या वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिस्टम क्या है, और वाला है, और में हमें पता है मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पर हमें लेने हैं कि 2 तो पुरुष हो गए और हमारे पास में और आएगा, और 2 हम 4 हमारे पास में हो जाएंगी महिलाएं, और हमारे पास में 6 सदस्य हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, और आ रहा है, 2 पुरुष और 4 महिलाएं। तो और आता है वहां पर गुणन का आधारभूत सिद्धांत लगता है, तो गुणा लगेगा। तो ज्यादा दिमाग आप लोगों को नहीं लगाना, और या, इन दोनों में डिफरेंस हिंदी वाले जो हैं, और या, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। या में क्या लगता है, योग का आधारभूत सिद्धांत लगता है, प्लस वाला निशान लगता है, और में हमारे पास में लगता है गुणन का आधारभूत सिद्धांत, मल्टीप्लीकेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पर 2 तो हमने पुरुष ले लिए, अब बच गई 4 महिलाएं, तो 5 टोटल महिलाएं, उसमें से 4 महिलाएं हम ले रहे हैं, तो 5C4 हो जाएगा, और ये 2 सदस्य हमारे पुरुष हो गए, 4 सदस्य हमारे पास महिलाएं होगी, और हमारे पास में 6 सदस्यों की कमेटियों का कलेक्शन हो गया। तो यहाँ पर आंसर निकाल लेते हैं, तो फैक्टोरियल 8/8C2 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 8/2 और फैक्टोरियल 8-2 इंटू 5C4 की वैल्यू होगी फैक्टोरियल 5/4 इंटू फैक्टोरियल 5-4। आंसर निकाल लेते हैं, यहाँ पर 8-2 होने वाला 6, तो ऊपर हम फैक्टोरियल 6 रखेंगे, तो 8×7 बार ले लिया और इंटू में फैक्टोरियल 6 रह जाएगा। नीचे हमारे पास में फैक्टोरियल 2 की वैल्यू में पता है 2 होती है, और इंटू में फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, 8-2 का फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6, और इंटू में फैक्टोरियल 5 है ऊपर, नीचे हमारे पास में फैक्टोरियल 4 आ रहा है, तो ऊपर 5 जो उसको अलग कर लेंगे, और बचेगा क्या, फैक्टोरियल 4, और नीचे फैक्टोरियल 4 है, और 5-4 हो जाएगा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4 से 4 हो जाएगा फैक्टोरियल, कैंसिल आउट। तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा, 8 को 2 से काटेंगे तो 4 टाइम्स कटेगा, 7×4 28×5, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर 140। तो 140 प्रकार से हम समितियाँ, कमेटी जो है वो बना सकते हैं, क्लियर है। सेकेंड नंबर में हमें कह रहा है केवल 2 महिलाएं हों, केवल 2 महिलाएं, कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 वीमेन। तो ये भी देख लेते हैं, 2 महिलाएं हो तो 6 सदस्य में बनाने, टोटल 5 महिलाएं हैं, उसमें से 2 महिलाएं हमें केवल लेनी है, बाकी बचे पुरुष। तो 8 पुरुष हमारे पास में टोटल हैं, उसमें से 4 काम कर रहे हैं सिलेक्शन, तो 2 महिलाएं होगी, 4 पुरुष हो गए। आंसर निकाल लेते हैं, 5C2 का आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल 5/2 और फैक्टोरियल 5-2।
और अगली हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 4। आंसर निकाल लेते हैं, यहाँ पर नीचे आएगा फैक्टोरियल 3, 5 माइनस 2 आएगा 3 आएगा, तो ऊपर भी हमें फैक्टोरियल 3 रखना है ताकि कैंसिल हो जाए, तो 5 और 4 जो है वो बाहर कर लेंगे फैक्टोरियल 5 में से, तो हमारे पास में बचेगा फैक्टोरियल 3। और नीचे हमारे पास में फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और इंटू में फैक्टोरियल 3, और इंटू में नीचे हमारे पास में दोनों जगह पर फैक्टोरियल 4 ही आएगा, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये तो बाहर कर लिया फैक्टोरियल 8 में से, फैक्टोरियल 4 हो गया हमारे पास में बच गया, और नीचे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 रहेगा, ये फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, ये 3 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 टाइम्स कटेगा, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 3 इंटू 2, ये हमारे पास में वैल्यू होगी, तो यहाँ से भी कट जाएगा, 3 इंटू 2 होगा 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, और 4 से 8 कटेगा 2 टाइम्स, तो ये सारे कट चुके हैं, ये फैक्टोरियल 4 के बराबर हमने ये वैल्यू थी, तो इससे हमने सबको काट दिया, बचा क्या हमारे पास में 5 इंटू 2, और यहाँ पर बचा 2 इंटू 7 इंटू 5, तो वैल्यू कितनी आई, 5 इंटू 2 होता है 10, और यहाँ पर 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10 इंटू 7 यानी कि 700, ये हमारे पास में आ जाएगा आंसर। तो 700 प्रकार से हम यहाँ पर कमेटी जो है वो बना सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए 26 एग्जांपल के थर्ड नंबर में क्या कह रहे हैं, कम से कम 2 महिलाएं हो, ऐसी हमें 6 सदस्यों की एक कमेटी बनानी है कि उसमें कम से कम 2 महिलाएं हो। कम से कम 2 महिलाओं का क्या मतलब है, कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 2 वुमेन का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर हम समझते हैं इसको, कम से कम 2 महिलाएं ये कह रहा है, कम से कम 2 महिलाएं, कम से कम 2 महिलाओं का मतलब ये है कि हमें 2 से कम हम महिलाएं नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं या फिर 2 से ज़्यादा हम ले सकते हैं, जितनी हमारे पास में महिलाएं हैं वहाँ तक हम जा सकते हैं, लेकिन 2 से कम यानी कि 1 और 0 हम महिलाएं ऐसा नहीं ले सकते, क्लियर है। तो हम 2 से शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में कई कंडीशन बनेंगी, तो देखिए पहली कंडीशन हमारे पास में क्या बनेगी कि हम 2 से शुरुआत करें तो 5 महिलाएं हमारे पास में टोटल हैं, उनमें से हम 2 महिलाएं लें, तो अब हमें पुरुष कितने लेने पड़ेंगे, पुरुष लेने पड़ेंगे 8 में से 4, क्योंकि 6 सदस्यों की हमें बनानी है एक कमेटी, तो 2 महिलाएं हम ले लें तो 4 हमें पुरुष लेने पड़ेंगे, तो एक कंडीशन तो हमारे पास में ये हो गई कि कम से कम 2 महिलाएं लें, तो अब हम इससे ज़्यादा भी तो ले सकते हैं, तो या तो फिर हम ये लें या हमारे पास में कंडीशन और क्या हो जाएगी, हमारे पास में ये हो जाएगी हमें 6 सदस्यों की एक टीम बनानी है, तो कलेक्शन एक कलेक्शन तो ये हो सकता है, या फिर दूसरा कलेक्शन ये हो जाएगा कि हम 3 महिलाएं लें तो 5 महिलाओं में से 3 महिलाएं अगर हम ले लें तो 5C3 बनेगा, और इंटू में अब हमें पुरुष कितने लेने होंगे, 3 ही पुरुष लेने होंगे, क्योंकि 6 सदस्यों की हमें एक कमेटी बनानी है, तो 8 हमारे पास में पुरुष हैं, उनमें से हमें 3 का सिलेक्शन करना है, क्लियर है। तीसरी कंडीशन हमारे पास में ये भी हो सकती है कि या तो हम इन दोनों में से एक को लें, या फिर ये हो सकता है कि हम 4 महिलाएं ले लें 5 में से, तो हमारे पास में 2 पुरुष हमें लेने होंगे, या फिर हमारे पास में ये कंडीशन और हो सकती है कि हम 5ों की 5ों महिलाएं ले लें, और तब हमारे पास में एक सदस्य और बचेगा, वो एक पुरुष हमें लेना पड़ेगा, क्लियर है। ये हमारे पास में 4 कंडीशन बन सकती हैं। हमें पता है कि जहाँ पर या लगता है वहाँ पर हमारे पास में योग का आधारभूत सिद्धांत होता है, बस लगा दीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को, बस इतना ध्यान रखें जहाँ या लगता है वहाँ पर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि आपने या कैसे लगा दिया, या मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर जो है वो कम से कम 2 महिलाओं की बात कर रहा था, तो इस वक्तव्य को थोड़ा सा समझिए, स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझिए, कम से कम 2 महिलाएं यानी कि 2 तो हम लेंगे ही लेंगे, हमें सदस्य 6 बनाने, अगर हम सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तब सोचिए कि 2 सदस्य यहाँ से हो गए, 4 यहाँ से हो गए, फिर 3 और हो गए, फिर 3 और हो गए, तो ये तो बहुत सारे सदस्य हो जाएंगे, तो हमें क्या करना है, हमें 6 सदस्य लेने हैं, तो 6 सदस्यों की हम एक टीम जो है कमेटी जो है वो यहाँ से बना सकते हैं, या फिर हम यहाँ से बना सकते हैं, तो प्रत्येक जो कंडीशन है वो फॉलो होनी चाहिए जो हमें क्वेश्चन में कह रहा है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कम से कम 2 महिलाएं, तो कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, तो ज़्यादा तो हो ही सकती हैं, 2 से ज़्यादा तो हो ही सकती हैं, कम से कम कह रहा है तो 2 से ज़्यादा हो सकती है, तो हमने 5 हमारे पास में टोटल महिलाएं हैं, तो 5 से ऊपर तो हम नहीं जा सकते, तो मैक्सिमम 5 महिलाएं हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्लियर। तो सभी को जोड़ दीजिए, तो 5C2 इंटू 8C4
प्लस 5C3 इंटू 8C3 प्लस 5C4 इंटू 8C2 और यहाँ की जगह फिर से प्लस और 5C5 इंटू 8C1 सभी का आंसर हम निकाल लेते हैं। ये भी एक आंसर ही है, इससे आगे नहीं बढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम यहाँ पर वैल्यूज छोटी आएंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं आएंगी, तो आंसर निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल 5C2 की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2। पूरा करके बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, कई बच्चों को ये भी नहीं होता है, यहाँ से आंसर भी नहीं आता है, तो ध्यान से देखिएगा। फैक्टोरियल 8 आएगा, 8C4 में क्या आएगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 और इंटू में फैक्टोरियल 8 माइनस 4। फिर यहाँ पर आ गया प्लस, तो प्लस लगा दीजिए। 5C3 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 माइनस 3 होता, उसके बाद में इंटू में 8C3 है तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 आएगा और फैक्टोरियल 8 माइनस 3 हो जाएगा। फिर प्लस आ गया और 5C4 की वैल्यू देखिए तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 माइनस 4 इंटू में 8C2 की वैल्यू देखिए तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 2। फिर प्लस आ गया, प्लस लगा दीजिए। 5C5 की वैल्यू तो पता है कि 1 होती है, फिर भी देख लेते हैं। फैक्टोरियल 5 आएगा ऊपर तो नीचे फैक्टोरियल 5 ये वाला और फैक्टोरियल 5 माइनस 5 हो जाएगा और इंटू में 8C1 की वैल्यू होगी फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू 8 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, देखिए नीचे आ रहा है यहाँ पर, देखिए 5 माइनस 2 वो होगा 3 और फैक्टोरियल 3 बनेगा तो ऊपर फैक्टोरियल 3 अलग कर लेंगे तो 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 इंटू में फैक्टोरियल 3, 5 माइनस 2 से फैक्टोरियल 3 आ जाएगा इंटू में हमारे पास में नीचे यहाँ पर भी फैक्टोरियल 4 आ रहा है और यहाँ पर भी फैक्टोरियल 4 ही आएगा, 8 माइनस 4 क्या होगा, फैक्टोरियल 4 ही होगा तो ऊपर हमें फैक्टोरियल 4 को अलग कर लेना है तो 8 × 7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 और नीचे यहाँ पर 2 फैक्टोरियल 4 आ रहे हैं तो 1 की वैल्यू हम लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो 4 × 3 × 2 होगी और इंटू में फैक्टोरियल 4 यहाँ से आएगा 8 − 4 से, क्लियर। फिर आ गया प्लस, तो प्लस लगा दीजिए। फैक्टोरियल 5 आ रहा है ऊपर नीचे आ रहा है, फैक्टोरियल 3 मैक्सिमम आ रहा है तो ऊपर फैक्टोरियल 3 अलग कर लेंगे, 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 अलग कर लिया, नीचे आ रहा है फैक्टोरियल 3 × 5 − 3 होगा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है और मल्टीप्लाई में नीचे आ रहा है, देखिए आप 8 − 3 फैक्टोरियल 5 होगा, 8 − 3 की वैल्यू 5 होगी तो फैक्टोरियल 5 बनेगा तो नीचे मैक्सिमम आ रहा है फैक्टोरियल 5 तो ऊपर भी हमें फैक्टोरियल 5 अलग करना है, 8 × 7 × 6 × फैक्टोरियल 5 नीचे हमारे पास में फैक्टोरियल 3 है और फैक्टोरियल 8 − 3 हो जाएगा फैक्टोरियल 5, क्लियर है। फिर आ गया प्लस, प्लस लगा दीजिए और मैक्सिमम नीचे क्या आ रहा है, फैक्टोरियल 4 आ रहा है, 5 − 4 तो 1 होगा तो फैक्टोरियल 5 में से ऊपर 5 अलग कर लिया तो बचा क्या, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 हो जाएगा नीचे इंटू में 8 − 2 होगा 6 तो फैक्टोरियल 6 बनेगा नीचे मैक्सिमम तो 8 × 7 अलग कर लिया फैक्टोरियल 8 में से और फैक्टोरियल 6 को अलग कर लिया और नीचे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू तो 2 होगी और 8 − 2 हो जाएगा फैक्टोरियल 6। फिर प्लस और फैक्टोरियल 5 से ये कैंसिल आउट, 5 − 5 0 होता है और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 × ये हो जाएगा 8 × फैक्टोरियल 7, 8 हमने अलग कर लिया और 8 − 1 होता है फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से काटना शुरू करते हैं, फैक्टोरियल 7 से 7 कटेगा ऊपर नीचे, उसके बाद में ये प्लस आ गया तो अगला व्यंजक हमारे पास में क्या है, फैक्टोरियल 6 में से 6 कटेगा, फैक्टोरियल 4 से 4 कटेगा और यहाँ पर 2 से 8 कट रहा है 4 टाइम्स, क्लियर है, तो इसमें इतना कटेगा, यहाँ पर केवल 8 बचेगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 जाएगा, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 × 2 यानी के 6 तो 3 फैक्टोरियल 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और फैक्टोरियल 3 से यहाँ पर फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से ये कटेगा 4 2 टाइम्स, इतना कटेगा नीचे और कुछ भी नहीं है, फैक्टोरियल 4 से 4 कटा और 4 से 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, 8 से 8 कट गया, 3 से 6 कटेगा 2 टाइम्स
और फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया और 2 से ये जो 2 हमारे पास में आएगा मल्टीप्लाई में थे सारे, तो ये 2 से ये 2 कट गया। अब देखिए हमारे पास में वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी। 5 इंटू 4 हो गया 20, इंटू में 7 इंटू 5 हो गया 35। उसके बाद में यहाँ पर बच रहा है 5 इंटू 2, ये हो जाएगा प्लस हमारे पास में आ रहा है तो ये हो गया 10, और 8 इंटू 7 हो गया 56, इंटू में 56 फिर प्लस आ गया और यहाँ पर बच रहा है 5, 4, 7, तो 5 इंटू 4 हो गया 20, इंटू में 7 बच रहा है और यहाँ पर बच रहा है केवल 8, तो प्लस में 8। सभी को जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा हमारे पास में, तो 35 इंटू 2 70, तो ये हो जाएगा 700 प्लस ये हो जाएगा 560 प्लस 140 7 इंटू 20 हो जाएगा और प्लस में 8, तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, हमारे पास में ये तो आ गया 8। सेकंड नंबर पे हमारे पास पोजीशन में होगा 4, 6 हो जाएगा 10, 0। थर्ड पोजीशन पे हमारे पास में होगा 2, 5, 7, 7, 7, 14, तो 14, 0, 8 हमारे पास में ये आंसर होगा। क्लियर है, तो पूरा मैंने करके बताया आप लोगों को, क्योंकि कई बच्चों से ये होता नहीं है आंसर नहीं निकलता है, किस तरह से काटते हैं किस तरह से वैल्यूज निकालते हैं, तो पूरा का पूरा मैंने करके बताया। तो 1408 यानी कि 1408 हमारे पास में ऐसी कमेटियाँ हम बना सकते हैं। क्लियर है, फोर्थ नंबर में हमें वैसे ही करना है, तो फोर्थ नंबर में देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर में कह रहा है कम से कम 2 पुरुषों कंसिस्ट ऑफ एट लिस्ट 2 मैन, तो यहाँ पर वुमेन की जगह हम मैन वाली कंडीशन लगा देंगे और हमारे पास में आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, फोर्थ नंबर कंडीशन में कह रहा है कि कम से कम 2 पुरुष हो। हमारे पास में टोटल पुरुष कितने हैं, 8 हैं, तो 8 में से हमने पहले 2 लिए, तो हमारे पास में 5 महिलाओं में से हमें 4 महिलाएं लेनी होंगी। उसके बाद में 8 में से अगर हम 3 लें, तो हमारे पास में 5 महिलाओं में से हम 3 महिलाएं लेंगे, क्योंकि 6 जगह हमें यहाँ पर कमेटी बनानी है। फिर प्लस 8 में से अगर हम 4 पुरुष लें, क्योंकि हमें कम से कम 2 लेने, तो 2 से कम नहीं ले सकते, ज़्यादा तो ले सकते हैं, तो 8 में से 4 पुरुष अगर हम लें तो हमें 5 महिलाओं में से 2 महिलाएं लेनी होंगी, और 8 में से हम 5 पुरुष अगर ले लें तो हमें 5 महिलाओं में से 1 महिला लेनी होगी, क्योंकि 6 की कमेटी बनानी है, इन सभी का नीचे वालों का जो जोड़ है वो प्लस 6 होना चाहिए, तो 2 प्लस 4 6 3 प्लस 3 6 4 प्लस 2 6 और 5 प्लस 1 6। अब हमारे पास में लास्ट कंडीशन ये भी है कि हमारे पास में 8 पुरुष हैं, तो 8 में से हम 6 के 6 पुरुष ही ले लें, तब हमारे पास में महिलाएं कितनी होंगी, 0 महिलाएं होंगी, तो 5C0। क्लियर है, तो सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, तो 8C2 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 2 इंटू 5C4 की वैल्यू होगी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 4। फॉर्मूले से आ रही हैं, अब ये हमें सोचना कहाँ से आ रही हैं, हमारे पास में NCR का जो फॉर्मूला था वहीं से आ रही है सारी वैल्यू, कि NCR की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, फिर आ गया हमारे पास में ये प्लस, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल, और फिर इंटू में 5C3 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, फिर प्लस फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 4, और इंटू में 5C2 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2, ये 5C2 की वैल्यू होगी, फिर प्लस आ गया, प्लस 8C5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में हमारे पास में है 5C1, तो ये वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू में 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और प्लस में हमारे पास में आगे क्या आएगा, 8C6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 8 माइनस 6 का फैक्टोरियल, इंटू में 5C0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, फिर भी लिख लेते हैं पूरा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0 और 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल। क्लियर है, चलिए इन सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर नीचे आ रहा है 8 माइनस 2 6 आएगा मैक्सिमम फैक्टोरियल, तो ऊपर हम 6 को अलग कर लेंगे, तो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2, तो इंटू में फैक्टोरियल 6 आ गया, फिर गुणा में
मैक्सिमम हमारा नीचे फैक्टोरियल 4, तो ऊपर 4 अलग कर लेंगे फैक्टोरियल में, तो 5 हमने अलग किया तो फैक्टोरियल 4 अलग हो जाएगा, और नीचे फैक्टोरियल 4 है और इन टू में 5 माइनस 4 होगा 1, तो फैक्टोरियल 1। फिर आ गया प्लस, फैक्टोरियल 8 आ रहा है ऊपर, नीचे आ रहा है 8 माइनस 3, यानी कि फैक्टोरियल 5 मैक्सिमम आ रहा है, तो ऊपर हम मैक्सिमम रखेंगे फैक्टोरियल 5 को, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 3 है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 2 और इंटू में 8 माइनस 3 फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में आ रहा आगे फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 2 होगा और ये फैक्टोरियल 3 मैक्सिमम होगा, तो 5 इंटू 4 हमने इसको लिखा और इंटू में फैक्टोरियल 3 लिख दिया। नीचे हमारे पास में फैक्टोरियल 3 है, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 होगा तो उसकी वैल्यू 2 होती है। फिर प्लस आ गया और अगली स्टेप में 8 माइनस 4 भी 4 होगा और यहाँ पर भी 4 है, तो 4 को हम अलग कर लेंगे, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 को अलग करें तो फैक्टोरियल में 4 रह जाएगा और नीचे फैक्टोरियल 4 एक तो है और 8 माइनस 4 भी फैक्टोरियल 4 होगा, उसको लिख लेते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2। मल्टीप्लाई में आ रहा आगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2, तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा फैक्टोरियल 5 को हम लिख लेते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। नीचे हमारे पास में क्या है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होगी, इंटू में 5 माइनस 2 हो जाएगा फैक्टोरियल 3। फिर आ रहा है हमारे पास में प्लस, तो प्लस कर देंगे और ये वैल्यू हमारे पास में होगी, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 5 इंटू 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 तो 3 होगा, तो मैक्सिमम जो आ रहा नीचे वो आ रहा फैक्टोरियल 5, तो ऊपर भी हम फैक्टोरियल 5 को अलग कर लेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 इंटू 8 माइनस 3, 8 माइनस 5 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमें पता है 6 होती है। फिर इंटू में फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 1 ये आ रहा है, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिखेंगे इसको फैक्टोरियल 5 को, 5 माइनस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है। फिर प्लस में आ जाएगा 8 माइनस 6 तो 2 होगा और यहाँ पर मैक्सिमम आएगा फैक्टोरियल 6, तो 8 इंटू 7 और यहाँ से फैक्टोरियल 6 को हमने अलग कर लिया, तो नीचे बच गया फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 6 फैक्टोरियल 2, इसकी वैल्यू तो 2 ही होती है, इंटू में ये वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 0 तो 5 ही बचेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इंटू में 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम आंसर निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 गया, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 गया, 8 से 2 को 8, 2 से 8 को काटेंगे 4 टाइम्स कटेगा, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा रिजल्ट में, यहाँ पर तो आएगा 7 इंटू 4 इंटू 5 हो जाएगा 20 और 20 प्लस 20 इंटू 7 140 हो जाएगा, क्लियर है। फिर अगली स्टेप में प्लस, फैक्टोरियल 5 से 5 गया, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 गया और 3 इंटू 2 से 6 गया, उसके बाद में 2 से 4 को काटा 2 टाइम्स कटा, 8 इंटू 5 हो गया, 8 इंटू 7 हो गया 56 और 5 इंटू 2 हो गया 10, तो 10 का 0 लग जाएगा। फिर प्लस, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 गया, 4 इंटू 2 से 8 बनेगा और 8 से 8 चला जाएगा और 3 से 6 गया 2 टाइम्स, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 गया और इस 2 से ये 2 भी गया, क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 4 तो हो जाएगा 20, 7 इंटू 5 हो जाएगा 35, 35 इंटू 20 ये बचा। फिर प्लस, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है तो 6 से 6 गया, फैक्टोरियल 4 से 4 गया, तो वैल्यू क्या बची, 8 इंटू 7 56 और इंटू में 5। फिर प्लस, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 6 से 6 चला गया, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है तो 2 से 8 को काटेंगे तो 4 टाइम्स कटेगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 7 इंटू 4 28, सभी को जोड़ेंगे वैल्यू निकालेंगे 140 प्लस 560 प्लस ये हो जाएगा 70
बैक जीरो लग जाएगा, 700 प्लस ये हो जाएगा 28, 256 होते हैं तो 280 हो जाएगा और प्लस का 28। 5 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो सम संख्या है तो आधा कर देंगे, जीरो लगा देंगे, 56 का आधा होता है 28, जीरो लगा दिया। चलिए जोड़ते हैं सभी को, इकाई के स्थान पे आएगा 8, दाई के स्थान पे 8 प्लस 2 10 और यहाँ पर हो जाएगा 6 16 और प्लस 4 20, 20 का 2 तो सैकड़े के स्थान पे 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 5 हो जाएगा 16, 16 प्लस 1 17, तो 1708 हमारे पास में आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर हमारे एग्जांपल जो है चैप्टर 6 के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें। पीछे की वीडियोज़ नहीं देखें तो ऊपर आए इंसान पर क्लिक करके पीछे की वीडियोज़ देख कर सारे डाउट्स और कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर कर लें। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अगले वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 6.1 होगी। थैंक यू सो मच।